यहाँ के चारों सूबों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान सिख एंड रिहान मिल एसोसिएशन रजिस्टर की जानिब से मरकजी सदर क्लास बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसफ बोहरा को पाकिस्तान सिख एंड रिहान मिल एसोसिएशन रजिस्टर्ड सरपरस्त आला मुंतखब कर दिया। अलहाज नसीर यूसफ बोहरा ने तंजीम के अहदेदारान अब्दुल मजीद अब्दुल हफीज़ मोहम्मद अवैस शेख बाबर मोहम्मद हारून मियाँ नासिर सलीम हाजी कैसर गुलजार हाजी नासर अक्रम मोहम्मद हारून समेत बिजली के बेतहाशा बिलों के खिलाफ गैर मुईना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजीद आइए आपको फैसलाबाद से बराह रास्त लिए चलते हैं जहाँ पर अलहाज नसीर यूसफ बोहरा तंजीम के अहदेदारों समेत हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं। जितना भी एक सेक्टर स्टेप टोटल वन टू ऑल इन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं ये हुकूमत वक्त से भरपूर ये मुतालबा करता हूँ का 15-20 रुपए यूनिट थी अभी ये 60 रुपए यूनिट इन्होंने कर दी है। ये क्या चाहते हैं? ऐसे ऐसे हैं यूनिट हमारे बंद हो चुके हैं कुछ आखिरी सांसों पे हैं। इस टाइम बाजारों की हालत ऐसी है बिल्कुल लोग जो है आपने जिसके पास 10-10 मुलाजम थे उन्होंने 2-2-3 दिन कर दिए हैं। तो मैं कल हमारी टेक्सटाइल यूनिट थे उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। अभी आज जो पूरे फैसलाबाद की प्रिंटिंग मिल है उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये जो हमारे जो पूरे पाकिस्तान की है तकरीबन ये 50 लाख से ऊपर ये लेबर बनती है लाखों के हिसाब से लूमे हैं। मैं हुकूमत वक्त से यही गुजारिश नहीं करूँगा यही करूँगा जो आपने ये अपनी कुर्सी बचानी है तो जब ये लेबर रोडों पे आ जाएगी वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये 4-5 दिन महीने आपने बहुत रगड़ लिया हमें ज़बह कर दिया। ऐसे ऐसे लोग केस आए हैं जिन्होंने अपने घर के जेवर बेच के बिल अदा किए हैं। तो ये हम पूरा अपना जो ये हमारा सेक्टर है पूरे पाकिस्तान से मैं ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो हमारे इंडस्ट्री के हैं उनके साथ बराबर के हम गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान करते हैं और हुकूमत को मान करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हिसाबदार साहब अभी आए हैं जो उनको रिलीफ सारी ज़िंदगी का वो मिल सकता है तो हम जो अपने बच्चों का पेट पालते हैं हमको क्यों नहीं हमारी क्यों रोजी रोटी अपनी छीन रहे हैं ये लोग।